Hello students, welcome back to Prabhala classes. I hope you are all well. आज का हमारा लेक्चर कंपटीशन एक्ट से है, इसका हम पार्ट टू लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कंपटीशन एक्ट की थी उसमें ये बताया था कि हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं कंपटीशन एक्ट की, जिसमें से आज हमारी जो डेफिनेशन है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन है, जिसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कंपटीशन एक्ट में जो कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। जनरल लेवल में कहूँ कंज्यूमर कौन होता है, तो कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ को खरीदता है अपने खुद के यूज़ के लिए या फिर अपनी आजीविका के पर्पज से, ठीक है, पैसे अर्न करने के, जिससे उसका लिवलीहुड हो सके। अब अगर हम बात करें सेक्शन 2F की, कंपटीशन एक्ट की, जिसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कंज्यूमर मींस एनी पर्सन, कि कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो बाय एनी गुड्स, किसी गुड्स को बाय करता है फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस वैल्यू, यानी कि हम ले सकते हैं मनी, कि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसके बदले हम पे करते हैं मनी। वो कैसे होना चाहिए कंसिडरेशन? पेड, या तो आपने पेड कर दिया है या फिर प्रॉमिस किया है उसे पे करने का, या फिर पार्टली पेड, आपने आधा पे कर दिया है एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, और आधा पे करने का आपने प्रॉमिस किया है, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर पेमेंट। डेफर पेमेंट जो आजकल पेमेंट चल रहे हैं, जैसे EMI वगैरह, इसको हम ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने जो है कंसिडरेशन पे किया है, आगे क्या कह रहा है, एंड इंक्लूड्स एनी यूजर। यहाँ पे क्या है, यूजर, यानी कि इसके अंदर और कौन इंक्लूड होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो उस गुड्स को यूज कर रहा है। एक तो परचेजर हो गया जिसने खरीदा है, दूसरा यूजर जो उसको यूज कर रहा है, ऑफ सच गुड्स, ठीक है, जो उस गुड्स को यूज कर रहा है। अदर देन, अब यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पे जो हमने एनी यूजर वर्ड यूज किया है वो कौन है? अदर देन द पर्सन, वो व्यक्ति नहीं है जिसने गुड्स परचेज किया है। अदर द पर्सन हु बाय सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड और प्रॉमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर पेमेंट, ठीक है। तो इसने कह दिया है कि यूजर, एनी यूजर वो है जो कि जिसने गुड्स परचेज नहीं किया है, बल्कि जो उस गुड्स को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, ठीक है, और वो एक स्मार्टफोन लेकर के आए हैं और वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको दे रहे हैं, तो आप क्या हुए? यूजर हुए। तो वहां पर जो यूज करने वाला है वो भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। आगे क्या कह रहा है ये, व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन। आप कब हैं उसके कंज्यूमर? जब आपने अप्रूवल ले लिया है उस व्यक्ति का जिसने वो गुड्स परचेज किया है। ऐसा नहीं है कि आपने बिना आप मतलब आपके फादर जो है एक स्मार्टफोन लेकर के आए और आपने वो उठा लिया, और फादर तो किसी ऑफिशियल पर्पस से लेकर के आए थे और आपने मतलब आपने वो मतलब यूज़ किया और आपको लगा कि इसमें तो कुछ कमियां हैं और आप सीधे चले गए, जी ये तो मेरा फ़ोन है और क्या नाम है, आप इसमें जो भी डैमेजेस हैं इसके आप दीजिए हमें। जबकि जो बायर था, यानी कि आपके फादर थे, आपके फादर ने आपको बताया भी नहीं था, आपको दिया भी नहीं था कि हाँ ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, मतलब अप्रूवल नहीं था उनका। तो मेन चीज़ है अप्रूवल ऑफ सच पर्सन। वेदर, अब आगे क्या कह रहा है, वेदर सच परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, भले ही वो जो गुड्स है वो परचेज किया गया हो सेल के लिए, रीसेल के लिए, यानी कि आपने एज अ रिटेलर जिसे बोलते हैं, आपने होल सेल से लेकर के आए और अपने शॉप में रखा और उसको आपका पर्पस क्या है, उसको रीसेल करने का है, तो भले ही आपका पर्पस उसको रीसेल करने का है, लेकिन वहां पर तब भी आप क्या है कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे। और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस और फॉर पर्सनल यूज, और आप चाहे उसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कंप्यूटर लेकर के आए हैं, आप 8-10 कंप्यूटर लेकर आए हैं और आपका पर्पस क्या है, कमर्शियल पर्पस है आपका, से अर्न करने का पर्पस है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर भी आप जो है कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे, और चाहे आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है,
जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि जो कंज्यूमर है वो तभी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा जब वो अपने पर्सनल यूज में उस गुड्स को लेकर के आ रहा हो, ना कि किसी कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्लॉज। हमारा पहला क्लॉज हमारा गुड्स के बारे में बता रहा था, ये सर्विसेज के बारे में बताता है कि एनी पर्सन हु हायर और अवेल्स एनी सर्विसेज, जो किसी सर्विस का लाभ उठाता है या सर्विस हायर करता है, वो कंसीडरेशन के लिए के बदले। और वो कंसीडरेशन कैसा होता है? पेड, या तो आपने पे कर दिया है कंसीडरेशन, या फिर प्रॉमिस किया है, या फिर आपने पार्टली पे कर दिया है, या फिर पार्टली पे करने का आपने क्या किया है? प्रॉमिस किया है। और अंडर एनी स्ट्रीम ऑफ डेफर पेमेंट, सेम वही चीज बता रहा है जो हमने क्लॉज वन में पढ़ी थी, यानी कि डेफर पेमेंट और ईएमआई वगैरह से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो। और इसमें क्या चीज है? इंक्लूड्स, और कौन है? इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी, यहाँ पे वर्ड यूज किया एनी बेनिफिशियरी। जो हमारा फर्स्ट क्लॉज था उसमें क्या यूज किया था हमने, वहां पर क्या यूज था? यूजर था, सच यूजर। यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, सर्विस है तो सर्विस का बेनिफिशियरी होता है, यूजर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड्स किया बेनिफिशियरी। गुड्स एंड सर्विस, उस सर्विस के लिए अदर देन द पर्सन, अब यहाँ पे देखो इसने फिर ये क्लैरिफाई कर दिया, अदर देन द पर्सन, उस व्यक्ति, अब ये बेनिफिशियरी कौन? ये बेनिफिशियरी वो पर्सन नहीं है जिसने सर्विस अवेल्स की है, बल्कि बेनिफिशियरी वो है जिसने, जो कि जो सर्विसेज है उसका बेनिफिट लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं कि अगर इंश्योरेंस की सर्विस ली है आपके बेनिफिट के लिए, तो वहां पे आप बेनिफिशियरी हुए, है ना, और जिसने ली है वो क्या कह रहे हैं, सर्विस अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पर ये यही कह रहा, और आगे आपका ये सेम चीज इसने यहाँ पर क्या की है, इसको कंफर्म करने के लिए सेम रिपीट करी है कि अदर देन द पर्सन हु हायर्स और अवेल्स द सर्विस फॉर द कंसीडरेशन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, ठीक है, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आगे क्या कह रहा है ये, व्हेन सर्विसेज आर अवेल्ड ऑफ विद अप्रूवल ऑफ फर्स्ट मेंशन, अब सेम वही चीज कर रही है कि सर्विस बेनिफिशियरी तो है, इन बेनिफिशियरी को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो जो सर्विस अवेल कर रहा है बेनिफिशियरी, या विद द अप्रूवल ऑफ फर्स्ट मेंशन, यानी कि जिस व्यक्ति ने फर्स्ट मेंशन, यानी कि जिसे पहले बताया तो सर्विस अवेल कर रहा था, उसके अप्रूवल से होना चाहिए। अगर उसने अप्रूवल दिया है, यानी कि अगर वो जानता है या उसने ही उसको बेनिफिशियरी बनाया है, तभी वो वहां पर बेनिफिशियरी एज अ कंज्यूमर ट्रीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है, वेदर सच हायरिंग और अवेलिंग ऑफ सर्विस इज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस और पर्सनल यूज, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि जो आपने सर्विस हायर की है या अवेल की है वो आपने किसी कमर्शियल पर्पस के लिए की है, आपका पर्पस जो है बेनिफिट जो है गेन करना है ऑफ ओ पर्सनल, या फिर आपने अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए की है। अब इसमें एक चीज जो है यूज नहीं की है, जो हमने फर्स्ट क्लॉज में देखी थी, फर्स्ट क्लॉज में क्या था कि वो कह रहा था कि रीसेल के लिए, एक वर्ड था ना रीसेल के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए या पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पर रीसेल क्यों नहीं यूज किया है यहाँ पर? इसलिए क्योंकि सर्विस अगर आप ले रहे हो तो सर्विस क्या है, एक अगर मैं कहूँ तो सर्विस एक बेनिफिट है, तो उस बेनिफिट को आप रीसेल थोड़े ना कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें दो ही टर्म्स यूज किए, कमर्शियल पर्पस और पर्सनल यूज। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि डिफरेंस क्या है दोनों डेफिनेशंस में, जैसे वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया बीच बीच में कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये कहता है अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट इवन इफ अ पर्सन परचेज गुड्स और अवेल्स ऑफ सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पस ही विल बी कंज्यूमर, कि अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए भी किसी गुड्स को परचेज कर रहा है तो तब भी वो क्या है, वो कंज्यूमर है। और कंज्यूमर किसके अकॉर्डिंग है? कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर वो क्या है, कंज्यूमर है। वेयर आज द पर्पस ऑफ जो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या दिया गया है कि अ पर्सन परचेजिंग गुड्स अवेलिंग सर्विस, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो गुड्स परचेज कर रहा है, कोई सर्विस अवेल कर रहा है वो कमर्शियल पर्पस, किसके कमर्शियल पर्पस के लिए, वाणिज्य
उद्देश्य के लिए अगर वो कोई सर्विस ले रहा है या गुड्स परचेज कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वो क्या आपका नॉट अ कंज्यूमर, वो आपका कंज्यूमर नहीं माना जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, एंड कैन नॉट सीक रिलीफ अंडर दैट एक्ट, और उस वो किसी भी रिलीफ की डिमांड नहीं कर सकता है अंडर द एक्ट, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो ये थी आज की हमारी डेफिनेशन कंज्यूमर की। हमने देखा दोनों में क्या डिफरेंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कॉम्पिटिशन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट की डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि आपकी रिलीवेंट मार्केट की डेफिनेशन देखेंगे, रिलीवेंट प्रोडक्ट मार्केट की डेफिनेशन देखेंगे, और हम रिलीवेंट ज्योग्राफिक मार्केट जो है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।